हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसुंदर स्वामी। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन वाला चैप्टर के लिए, वो वहाँ भी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट के मन माइंड में रहता है। सर, सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड, टू फेज मेथड, ये कब अप्लाई करते हैं, कैसे इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो एक सिंपल सा के लिए और उसका बेसिक भी बता के उसको भी सॉल्व करेंगे। अपन सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, मैक्सिमाइज देयर कैन सब्जेक्ट टू द कंडीशन, देखो आप इनक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन है और ये एच1 एच2 यहां पर गिवन है कि सिंप्लेक्स मेथड से टू वेरिएबल है, तो उसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। लेकिन अभी सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स में, कि कौन सा सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना है, तो सिंपल सा डिस्कस कर रहा हूं मैं। क्या रहता है मेरे पास कि ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट होता है मेरे पास, यानी ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एम क्या है, मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है, जो भी ये मेरे पास कंडीशंस कह सकते हैं आप, कंडीशन ये कंडीशंस होती है, सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेट भी कह सकते हैं इसको, कंडीशन या कंसंट्रेट, कंसंट्रेट ये नॉन एक्टिविटी होती है। तो ये थ्री पार्ट मिलकर ऑब्जेक्ट, कंसंट्रेट या कंडीशन या नॉन नेगेटिविटी, थ्री थर्ड वाला पार्ट, ये थ्री मिलकर जो इस वाले सारे प्रोसीजर को अपन कहते हैं कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व आउट करते हैं इसको सिंपलेक्स की बात करूं तो अपने पास जो जनरली है तो थ्री मेथड रहते हैं सिंपलेक्स के। एक तो जैसे ये वाला मेथड देखा है, इसमें क्या है सारे सिंपल कैसे लेस देन का है, तो इसमें सिंपल वाला जो सिंपलेक्स है उसको यूज करेंगे अपन। अगर ये सिंपल मान लो किसी में एक में ग्रेटर आ गया या इक्विवेलेंट आ गया, इस टाइप का भी सिंपल हो, तब इसको अपन यूज करते हैं। अगर ये वाला कई मेथड इक्विवेलेंट वाला है या फिर ग्रेटर देन वाला, तो उसके लिए अपने पास टू मेथड है, या तो उसको आप बिगिन से सॉल्व करें या फिर उसको आप टू फेज से सॉल्व कर सकते हैं, टू फेज से, क्लियर, टू फेज मेथड से। उस चाहे ये सिंपल सिंप्लेक्स हो या बिग एम हो या टू फेज हो, इसके अंदर आपको एक चीज सीखनी है, फर्स्ट टेबल कैसे बनेगी सिंप्लेक्स टेबल, और फर्स्ट टेबल से अपन सेकंड वाली टेबल कैसे जनरेट करते हैं। बस एक स्टेप सीखे तो ये थ्री के थ्री मेथड हो जाते हैं, उसके साथ ड्यूलिटी भी है वो भी हो जाता है। सोल्यूशन के लिए देखो, पहला मैक्सिमाइज है, तो ये ऑब्जेक्ट तो आपके पास क्या है, मैक्सिमाइज है, जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस का 3x2, कोई डाउट नहीं, मैक्सिमाइज से ही था। अब ये कंडीशन को ये अपने पास इंक्लूडिंग को आप कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, लेटर वाला सिंबल है, यानी ये कम है तो इसके साथ कुछ ऐड कर देंगे, यानी प्लस का x3 कर दूंगा ऐसे, ठीक है, ये भी कम है तो इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा x4, ठीक है। इसको जो लेस देन है उसके साथ प्लस के साथ जो ऐड करते हैं इसको अपन कहते हैं स्लैक वेरिएबल, क्लियर है। तो देखिए आप, वी कन्वर्ट इन इक्विटी इनटू इक्वेशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैसे x1 x2 है, इसमें क्या ऐड करेंगे x3, इसमें क्या करेंगे x4, यानी इसमें प्लस करते हैं तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, यानी लेस देन है। इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, अगर नाम ध्यान में आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं सिंपल वेरिएबल, कौन सा, x3 एंड x4, इसमें x3 इसमें x4, और टेकिंग कॉस्ट वैल्यू 0, टेकिंग कॉस्ट वैल्यू 0, कॉस्ट वैल्यू आपको क्या लेनी है 0, यानी ये x3 x4 ऐड करेंगे, पहले इसमें इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर उसके बाद ऐड करेंगे तो ये अपने पास क्या जाएगा, इसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो क्या लेंगे अपन 0। यहां से थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए अपने को, तो क्या रहेगा, यानी अपने पास जो वैल्यू आ गई, ये इंक्लूड की बात करता हूं, 3x1 प्लस 5x2, और इसके साथ आपने ऐड कर लिया x3, तो सपोज करते हैं ये इसके इक्विवेलेंट आ गया, ये थोड़ा सा स्पेस देकर के गया 15। सिमिलरली सेकंड के अंदर 5x1 प्लस 2x2, यहां पर मैंने ऐड कर दिया x4, ये प्लस ऐड करके तो सपोज करते हैं ये लेस देन था, वो इक्विवेलेंट हो गया, ये जो वैल्यू आ रही है अपने पास है, तो ये वाला सम मानना चाहिए आपको। अब क्या जो x3 और x4 ऐड किए, इसकी कॉस्ट वैल्यू यहां रखनी होती है अपने को 0x3 और 0x5, इंक्लूडिंग को इक्वेशन बनाने में जो भी वेरिएबल आप ऐड करें उसकी कॉस्ट वैल्यू ऑलवेज 0 रखते हैं, जैसे कोई बिगम हो, टू फेज हो, एनीवे कॉस्ट वैल्यू, मतलब x की कॉस्ट वैल्यू 5 है, x की कॉस्ट वैल्यू 3 है। तो अब इसको फिल कर ले, यहां पर x3 नहीं है तो उसको अपन लिखते हैं 0x3, ये ठीक है, तो आप लिखते हैं 0x4, क्लियर है कोई, और इसको अपन लिखते हैं ax b फॉर्म में, नेक्स्ट क्या लिखेंगे इसको अपन, ax b फॉर्म, a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और b जो राइट साइड पे वैल्यूज है, ax b फॉर्म में क्या आएगा, देखिए 3 5 1 0, क्लियर, यहां से 5 2 0 1 इस टाइप की वैल्यू आ गई मेरे पास a, और x क्या है यहां पर, नंबर ऑफ वेरिएबल है x1 x2 x3 और ये x4, और ये इक्वल टू आ गया मेरे पास 15 और ये 10,
अब मैं बात कर रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो रहने वाला सिंबल है वो ऑटोमेटिक आपके जनरेट हो जाएगा, वहां से कोई है नहीं समस्या। ये क्या क्या मेरे पास, ये वन, ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 2x2 की मैट्रिक्स है, ये मेरे पास 2×2 है, तो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए आपके पास, क्लियर है। तो 2x2 का देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, किससे बन रहा है, ये x1 का कोएफिशिएंट है, x2 का, x3 और ये x4। इसका मतलब क्या होगा, x3 एंड x4 आर बेसिस वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल ना क्या कहते हैं, बेसिक वेरिएबल। अपने पास जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है वी जनरेट ए सिंपलेक्स टेबल। सिंपलेक्स टेबल का फॉर्मेट ध्यान देंगे आप, सिंपलेक्स टेबल का मतलब क्या हो गया, मैं इसको अलग कलर से लेता हूं। सिंपलेक्स टेबल का मतलब कि आपको जैसे फॉर्मूला होता है ना, फॉर्म भरते हैं नए फादर नेम डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही, तो उसका एक फिक्स फॉर्मूला था फॉर्मेट होता है, ऐसे सिंपलेक्स टेबल का भी एक फिक्स फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट देखिए आप पहले क्या आता है, यहां लिखते हैं अपन जेड जे से लिखता हूं, सो सी जे, यहां लिखते हैं सी जे, सी का मतलब कॉस्ट वैल्यू से है, क्लियर है, ये कॉस्ट वैल्यू से है। यहां पर लिखते हैं सी जे के बाद बी, जो अपने पास राइट हैंड साइड की वैल्यू है 50 और 10, ये भी लिख दिया यहां से। इसके बाद यहां नंबर ऑफ वेरिएबल लिखते हैं अपने पास, नंबर ऑफ वेरिएबल का मतलब x1 x2 x3 और x4 है, तो यहां लिखेंगे आप x1 x2 x3 और ये x4। यहां को देखते रहिए लास्ट, अब ये लास्ट में जो कॉलम रहता है इसके अंदर बनाएंगे आप मिनिमम रेशियो, क्या लिखेंगे, मिनिमम रेशियो। और यहां मैं लिखता हूं b अपॉन में x, और x क्या लेना है आपको, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला वर्क किया। b के इस साइड में क्या लिखेंगे आप, यहां लिखते हैं अपन xb और यहां लिखते हैं अपन cb। x का मतलब वेरिएबल से है, b का मतलब बेसिक वेरिएबल से, c का मतलब कॉस्ट वैल्यू से, कॉस्ट वैल्यू का मतलब ये x1 की कॉस्ट वैल्यू 5, x2 की कॉस्ट वैल्यू 3, x3 की कॉस्ट वैल्यू 0, x4 की कॉस्ट वैल्यू ये क्या जाएगा 0, तो ये कॉस्ट वैल्यू कितनी आपको। अब देखेंगे आप नेक्स्ट, टू रो है मेरे पास, टू इंक्लूडी थी या टू यहां पर इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली ऑब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करना है, तो अपने पास नंबर ऑफ रो लगाएंगे, टू है तो टू, थ्री है तो थ्री, यहां पर टू है तो अपने टू मेंशन कर दिया, यहां पर यहां पर डाउट नहीं आना चाहिए। इसके बाद टू एडिशन रो एड करेंगे, जैसे यहां पर एक एडिशन कॉलम किया था, यहां टू एडिशन रो एड करेंगे आप, तो एड क्या रहेगा यहां पर, ये लिखता हूं ये लाइन, तो क्लियर क्या है यहां पर देखिए, तो ये था हमारे पास बी, ये अपने पास x, क्लियर है। तो यहां पर एक टू रो ऐड करेंगे, यहां पर ये टू और ये टू, क्लियर है, तो टू रो आनी चाहिए यहां पर, ये आता है मेरे पास यहां के लिए, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, इसके अंदर पर वैल्यू पुट करते हैं, इसके अंदर जेड जे, क्या लिखते हैं जेड जे, जेड का फॉर्मूला भी देता है, उसके अंदर ये होता है फॉर्मूला समेशन ऑफ सीवी और ये एक्स, फॉर्मूला भी फिट कर दिया यहां पर, एक फॉर्मूला अप्लाई होता है आइडेंटिटी के, और यहां लिखते हैं अपन जेड जे माइनस का सी जे, क्लियर, जेड जे माइनस का सी जे, तो ये पॉजिटिव आ गया तो बी कैटा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का नाम रखेंगे, चाहे बी का मोड टू फेज हो, सबके लिए कॉमन होता है, इसी टाइप से फॉर्मेट अपने को जनरेट करना होता है। अब मैं बात करता हूं यहां पर, यहां से सी क्या है, कोस्ट वैल्यू, कोस्ट वैल्यू का मतलब आप फ्री कर रहा हूं उसको ना, ठीक है, फ्री कर रहा हूं, फ्री का मतलब सी का मतलब कोस्ट वैल्यू, x1 की कोस्ट वैल्यू क्या है 5, तो यहां पर 5 का कर दिया, x2 की कोस्ट वैल्यू 3, ये 0 था, ये 0 है, कंप्लीट हुआ। अब ये जो है मेरे पास ये xb था, ये xb है, xb का मतलब क्या हो गया, बेसिक वेरिएबल, क्लियर है, क्या रहेगा अपने पास बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल क्या हो गया, जिससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, किससे बनता है, x3 और x4 से। तो आप यहां पर क्या बनाएंगे, x3 और x4 पुट अप करेंगे, और ये b का देखिए, पहले b को देखो, b की वैल्यू क्या है 15 और 10, ये 15 है और ये अपने पास 10 आ गया, इसको बाद में फिट करते हैं। अब जो भी इस b के सामने जो भी रो है, तो ये वाली रो फिट कर देंगे, इस 10 के सामने ये वाली रो है ये फिट कर देंगे, यानी ये एडजस्ट किया तो ये एडजस्ट कॉपी करना है और एडजस्ट यहां पर पेस्ट कर देंगे, क्या मिल जाएगी 3 5 1 0 5 2 0 1, कुछ नहीं किया आपने, ये b को यहां पर पुट अप किया, ये एल की कॉपी की और यहां पर रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर क्या है, x b का मतलब बेसिक वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल जिससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, इससे बनता है x3 और x4 से। तो आप देखेंगे ये है x3, ये देखो यहां पर बना रहा है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, तो यहां पर क्या आएगा x3 आ गया,
x3 की कॉस्ट वैल्यू क्या है, x3 की कॉस्ट वैल्यू 0 है यहां पर, ये c का मतलब कॉस्ट वैल्यू है। अब x4 से x4 ये रहा, ये बन आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है ना, तो यहां पर ये x4 हुआ और इसकी कॉस्ट वैल्यू x4 की कॉस्ट वैल्यू 0, तो ये पुट अप कर दिया, क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब z डिफाइन आउट करते हैं, समेशन ऑफ cb x3, j का मतलब यहां पर क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल से बात करेगा ना, j इक्वल टू 1 2 3 और ये 4 z1 ना, तो ये आएगा यहां पर z1 z2 z3 z4, z1 का यूज करूंगा तो x1 का अप्लाई होगा, z2 के लिए x2, z3 के लिए x3, क्लियर है, ये फॉर्मूला देखो cb x3, cb फिक्स है पर्टिकुलर टेबल के लिए, तो cb तो 0 0 है तो 0 * 3 + 0 * 5 3 0 हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो गया कि 0 * 3 प्लस 0 इंटू 5 इसकी वैल्यू है ये z, j इंटू 1 z1, तो ये क्या आ गया 0, तो ये 0 आ गया, सिमिलरली 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2 तो 0 आएगा, ये भी 0, क्लियर है। जेड जे मैट्रिक्स का सीजे, तो जेड जे मैट्रिक्स का सीजे क्या होगा, ये रहा जेड जे और ये अपने पास ये रहा सीजे, 0 माइनस 5 माइनस का 5, 0 माइनस 3 माइनस 3 0 और ये 0, फिर अब यहां पर क्या देखते हैं, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, मोस्ट नेगेटिव देखो क्या है, तो ये वाला बल्ब आ रहा है माइनस का 5, इस पर आप ये एरो यूज कर देंगे, यहां पर माइनस का 5 इसके डायरेक्शन में आ रहा है x1, तो ये जो वैल्यू जा रही है यहां पर ये x1 यहां पर आएगा, यानी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या सेलेक्ट करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, मैं थोड़ा स्पेसिफिक, तो क्या रहेगा मोस्ट नेगेटिव b / x1, तो ये रहा b ये रहा x1, क्या वैल्यू आएगी 15 / 3 = 5 10 / 5 = क्या आ गया तो पास 2, यहां क्या देखते हैं मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो देखो क्या है ये वाला है, इस पर आप एरो लगा दिया आउट की तरफ जाता हुआ, इसका मतलब क्या हो गया इस वाले मैट्रिक्स के लिए, इस वाले मैट्रिक्स के मतलब क्या हुआ, इसका हुआ कि आउटगोइंग वेक्टर और इनकमिंग वेक्टर, जनरली क्या होता है जो अपने पास वेरिएबल है ना x1 x2, ये तो मेन वेरिएबल है ओरिजिनल, ये x3 और x4 को सॉल्व आउट करने के लिए यूज किया है, तो ये x3 x4 यहां से रिप्लेस होते रहते हैं और जो अपने पास ओरिजिनल वेरिएबल है ये इसके साथ इनकमिंग हो गई यहां पर, तो इसके अंदर इसका बेस देखिए आप, ये बॉक्स नेगेटिव है कौन सा, ये x1, तो इसमें लिखेंगे हेयर, इस वाले मैट्रिक्स के लिए हेयर हेयर इस वाले टेबल के लिए एंट्रिंग वेक्टर की एंट्रिंग वेरिएबल या वेक्टर क्या होगा x1 और आउटगोइंग आउटगोइंग वेक्टर क्या रहेगा हमारे पास, ये आउटगोइंग है ये आउटगोइंग क्लियर, ये आउटपुट देखो हमारे x4 आउटगोइंग क्या है हमारे पास x4, क्लियर हुआ, ये एंट्रिंग और ये आउटगोइंग, ये जो एलिमेंट आता है उसको अपन कहते हैं की एलिमेंट, इसको वी राइट हियर इज द की एलिमेंट, क्या होता है ये की एलिमेंट, क्लियर, अब ये की एलिमेंट हो गया अपने पास, की एलिमेंट का मतलब की जैसे लॉक की कैसी होती है यूनिक होती है, क्लियर, तो की ऑलवेज वन बनानी होगी, अपन नेक्स्ट वाले टेबल बनाएंगे, अब जब तक ये नेगेटिव आएगा तब तक जेड जे माइनस वी जे तब तक टेबल बनेगी अपनी, जैसे पॉजिटिव आया वी गेट द सॉल्यूशन, तो नेक्स्ट वाले टेबल, ये तो सिंपलेस्ट टेबल फर्स्ट थी, यानी जो सिंपलेस्ट टेबल फर्स्ट, अब सिंपलेस्ट टेबल सेकंड के लिए ये बताता हूं, यहां से ठीक क्लियर, तो यहां से सिंपलेस्ट टेबल सेकंड, सिंपलेस्ट टेबल सेकंड की बात करूं मैं, सिंपलेस्ट टेबल सेकंड, सिंपलेस्ट टेबल सेकंड में देखो फॉर्मेट सेम ही रहेगा, पहले फॉर्मेट जनरेट करता हूं मैं, क्या रहता है यहां पर ये cj होता है, थोड़ा सा स्पेस कम है इसको थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, ठीक है करते हैं इसको, इसको भी हटाते हैं, क्या देखते हैं क्या रहेगा, इस सिंपल टेबल सेकंड के लिए फॉर्मेट सेम रहेगा cj, यहां से ये जो वैल्यू जाएगी इस साइड पे यहां पर b रहता है सेम सी टाइप का, ये यहां पर xb और ये यहां पर cb, सेम फॉर्मेट है सेम इज दिस, अब यहां नंबर वेरिएबल x1 x2 x3 और ये x4, लास्ट में क्या वर्क किया था हमने मिनिमम रेशियो का जो वर्क रहता है मिनिमम रेशियो b / में x और x कैसा रहता है पॉजिटिव, ये लेते हैं अपन, नंबर ऑफ टू रो है तो यहां भी टू रो आ जाएगी फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, अब b के साथ में ये टू एडिशन रो अपन ऐड करते हैं टू एडिशन रो, इसके लिए एक तो रहता है अपने पास जेड जे के लिए, जेड जे का जो फॉर्मूला होता है सेम ही है सी बी और ये मैं एक्स जे यहाँ लिख दिया और ये जो वैल्यू आती है जेड जे माइनस का सी जे, ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए कोस्ट वैल्यू सेम रहेगी 5 इसको तो अच्छे से कर लो 5 3 0 और ये 0, अब
पहले वर्क क्या करना है, एक्स भी बेसिक देखिए आप, एक्स भी तो एलपी है, कोई डाउट नहीं है, एक्स थ्री आ गया और इसकी कॉस्ट वैल्यू जीरो है, कोई डाउट नहीं। अब एक्स फोर आउट हो गया है, एक्स फोर इज आउट, किससे रिप्लेस हुआ है वो एक्स वन से, एक्स फोर इज रिप्लेस बाई एक्स वन, ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वन आएगा, पहले फोर था, अब एक्स वन की कॉस्ट वैल्यू क्या है फाइव, तो ये आपके पास फाइव आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। पहला बात तो ये किया, अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं। पहले तो की एलिमेंट वाले ही रो लिखते हैं, की एलिमेंट वाले रो लिखेंगे आप, की एलिमेंट वाले रो कैसे लिखेंगे ये इसको मैं देखूं, मैं वर्क लेता हूं उसको, की एलिमेंट वाले रो को कैसे लिखेंगे, ये x3 को फिल करेंगे और फिर x1, यानी x1 है, यानी ये x4 को आउट किया, ये वाला बिंदु था x4 को v से दैट x1, तो ये वाली की एलिमेंट वाली जो रो है वो पहले लिखी थी, कैसे लिखेंगे इसको आप, मैं ये लिखता हूं ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो को कैसे फिल करेंगे, सेकंड रो के लिए आप लिखेंगे इसके अंदर ओल्ड वाली जो रो है अपने पास सेकंड, यानी R2 सेकंड वाली रो कौन सी, ओल्ड वाली टेबल की या की एलिमेंट वाली टेबल की, ऐसे इसको आप ओल्ड या के इससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करके इसको लिखेंगे आप सेकंड रो, यानी ये अपने पास ये R2 न्यू जो आएगी, यहां से मैं एन लिखता हूं, R2 न्यू इज इक्वल टू R2 ओल्ड या की एलिमेंट, इसको डिवाइड किससे करना है 5, 5 के की एलिमेंट है, इसे डिवाइड करके लिखिए आप, तो क्या आएगा 10 upon 5 2 आ जाएगा, ये 1 है 2 upon 5 और ये 0 आ जाएगा और नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास 1.5, ये समझ आना चाहिए। तो मेरे सेकंड रो R2 इज इक्वल टू ये n का मतलब न्यू से न्यू वाली टेबल की। अब मैं बात करता हूं ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को कैसे लिखेंगे आप, फर्स्ट रो के लिए ये डालो सब ठीक है, तो फर्स्ट रो के लिए बात करूं मैं यहां पर लिखता हूं मैं 4 फर्स्ट रो, फर्स्ट रो इन न्यू टेबल, अपने पास टू टेबल का मेजर रहेगा, ये पहले वाली और ये न्यू वाली, ये ओल्ड वाली ये न्यू वाली, तो न्यू टेबल फोर फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो फिल करनी है, तो कैसे लिखेंगे इसको आप देखें, मैं इसके यहां पर आर वन फर्स्ट रो लिखेंगे किसके लिए, न्यू के लिए, तो मैं एन यूज कर रहा हूं, न्यू को मतलब न्यू टेबल के लिए, इज इक्वल टू क्या करना होता है, पुराने वाली टेबल की जो फर्स्ट रो वो लिखेंगे, पुराने वाली टेबल क्या है आर वन, इसको मैं ओल्ड नाम दे रहा हूं ना, फर्स्ट तो इस ऑपरेट का ध्यान रखेंगे आप, आर वन ऑड मैं एड लिख लेता हूं, आर वन ऑड मतलब ये मतलब क्या हुआ, इसको ये लिखते फर्स्ट 15 3 5 1 और 0, आर वन ऑड लिखी मैंने, ये तो टेबल आ गई मेरे पास सोची आर वन एन ठीक है। अब क्या करना है 3 × r2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 3 यहां पर है, 3 × 2 = 6 3 आ गया, 3 × 2 = 6 अपॉन में 5 0 और ये 3 अपॉन में 5 ठीक है, यानी ये तो r वाला न्यू हुआ और ये वाली टेबल कौन सी आई हमारे पास 3 r2, ये न्यू वाली, ये ओल्ड वाली, ये ओल्ड वाली ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस 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 और ये माइनस, फिर यहां पे 9 आ गया, 0 देखो आ गया क्लियर के सामने, यहां पे 0 आएगा, 5 इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू जाएगी 19 अपॉन में 5 और ये 1 आ गया और ये अपने पास वैल्यू जाएगी माइनस का 3 5 क्लियर है, तो ये ध्यान रखना, सिंपल चेंज करके माइनस के ना, तो ये वाला क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, ये वाला भी एलिमेंट कॉपी कर देंगे, होगा एज इट इज 9 0 19 5 1 माइनस का 3 अपॉन में 5 क्लियर है। अब यहां पर जेड जे फाइंड आउट करेंगे ना, जेड जे तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं डालता हूं यहां से, अब देखो एक टू वैल्यू में बता देता हूं, राइट कर लेंगे क्या रहेगा, ये जेड वन है जेड वन, ये जेड वन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जेड वन इज इक्वल टू ये सी बी के अपने पास, ये सी बी वन समेशन ऑफ एक्स वन, ये एक्स वन आ जाएगा, सी बी की मतलब ये जीरो इंटू, यानी मैं इसको लिखता हूं 0 × 0 प्लस 5 × 1 5 × 1 क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया, इससे तो ये मेरे पास क्या आ गया 5 आ गया, जो सारे जीरो ही हो रहे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो
ये जीरो हो जाएगा यहाँ से, ये वन आ गया, तो 5 2 0 1 आ गया। इसमें से अब क्या करें, जेड जे माइनस सी जे, तो ये क्या जाएगा 0 2 -3 -1, ये 0 और ये 1। तो मोस्ट नेगेटिव क्या है अपने पास, ये मोस्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कहते हैं मोस्ट नेगेटिव, इज द मोस्ट नेगेटिव, ये मोस्ट नेगेटिव है। मोस्ट नेगेटिव क्या आ गया अपने पास, एक्स टू। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये भी एक्स टू, ये भी एक्स टू, एक्स टू पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए आप, ये अभी ये मेरे पास एक्स टू है, तो ये 9 upon 5 आ जाएगा, यानी 45/19, यानी 2 point something अभी आ जाएगी। फिर यहां से लेके आप b/x2, 2/5 आ जाएगा, यानी 10/2 रहेगा, यानी 5 आ गया। तो क्या रहेगा यहाँ पर, क्या लिखते हैं अपने आप मिनिमम, तो मिनिमम क्या है, इस पर आप एरो ये लगा देंगे, इसका ध्यान रखेंगे आप। इसका मीन्स क्या हुआ, ये तो एंट्रिंग है और ये मेरे पास आउटगोइंग है, तो यहां लिख देता हूं मैं, एंट्री वेक्टर, एंट्री क्या है यहां पर x2 इस टेबल के लिए, एंड आउटगोइंग क्या है यहां पर, ये आउट का सिंबल है, कौन सा है x3। तो ये मेरे पास क्या होगा x3। अब इसका एंट्री और आउटगोइंग का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको अपन क्या कहेंगे, की एलिमेंट, ठीक है। देखो यहां पर ये एंट्रिंग, ये आउटगोइंग, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये की एलिमेंट आ गया। की एलिमेंट को आपको क्या बनाना पड़ेगा, यूनिक यानी वन बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वाले टेबल के लिए जब तक ये जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव आ जाए तब तक टेबल बनेगी, क्लियर माइंड में रखना। अब नेक्स्ट वाले टेबल ये सब हटा देता हूं, इसका कोई रोल नहीं है। तो यहां से नेक्स्ट वाले टेबल फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फॉर्मेट क्या रहेगा, थर्ड सिंपलेस्ट टेबल, सिंपलेस्ट टेबल थर्ड, सिंपल टेबल थर्ड क्या रहेगा, फर्स्ट नहीं, सेम सी टाइप से जनरेट करेंगे अपन। क्या रहेगा यहाँ पर, ये सी जे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बी आ जाएगा यहाँ पर। क्या रहेगा, इस साइड में जो वैल्यू जाती है यहाँ पर, एक्स बी और ये सी बी, क्लियर है। एक्स बी सी बी सेम सी टाइप से, ये नंबर वेरिएबल x1 x2 x3, नंबर वेरिएबल क्या अपने पास x4 है, तो ये वाला x4 आ जाएगा। लास्ट वाला जो कॉलम आ जाता है मिनिमम रेशियो का, मिनिमम रेशियो बी अपॉन में x, और ये x क्या रहेगा पॉजिटिव, ये मिनिमम आ गया। नंबर ऑफ रो क्या थी अपने पास, 2 फर्स्ट और ये सेकंड, 2 रो थी अपने पास। नेक्स्ट जो आता है अपने पास, इसको हटा देता हूं, ये बता, ठीक है। क्या रहेगा नेक्स्ट के लिए, आप लिखते हैं जेड जे, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, सी बी और ये एक्स जे, ये वाला वर्क किया। नेक्स्ट में जो वैल्यू आएगी क्या लिखते हैं, जेड जे माइनस का सी जे, जो अपने को डिसाइड करेगा कि वैल्यू ऑप्टिमम आई है, ठीक है। जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव आएगा तो वी से दैट वी गेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो एक्स वैल्यू तो सेम है, इसको फिल करता हूं, जैसे क्या रहेगा 5 3 0 0, यहां पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहां से देखिए, पहले आप वेरिएबल में जाएंगे, ये x3, ये जो x3 है ये आउट हो गया है, इसके लिए कौन सा आ गया x2, तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, ये x2 आ जाएगा, और x2 की कॉस्ट वैल्यू 3, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। बाकी वैल्यू सेम है, x1 और ये क्या आ गया अपने पास 5। पहले बार ये करना आपको फील करने का, मतलब पहले आप इसको फील करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये की एलिमेंट है, इस की एलिमेंट को यूनिक बनाना है, तो यूनिक कैसे बनेगा, कौन सी रो है ये, फर्स्ट रो। तो मैं यहां लिख देता हूँ फोर फर्स्ट रो के लिए, इस साइड में देता हूं मैं, यहां पर फर्स्ट रो के लिए फोर फर्स्ट रो कौन सी है, फर्स्ट रो का मतलब क्या हो गया, r1 नी वाले टेबल में फर्स्ट कैसे आएगा, तो आप क्या करेंगे 19.5 का डिवाइड करके लिखेंगे, इसमें r1 ऑड, रो का मतलब ऑड से है, इसका डिवाइड करना है 19.5 का, या फिर 19.5 का डिवाइड करते हैं, या फिर 5/4 में 19 का मल्टीप्लाई कर देंगे r1 ऑड को, क्लियर है। तो ये ऑड हो गया, ये टू टेबल का कंपेरिजन होगा, जस्ट पहले वाली उसके अब नेक्स्ट वाली, तो उसको 19.5 या 5/19 का इसके डिवाइड करके पुट करें, तो 5/19 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या जाएगा मेरे पास, 45/19 हो जाएगा, ठीक है 45, ये 0 हो जाएगा, 0 ये 1 आ जाएगा, क्लियर बेटा, ये तो 1 आना चाहिए, 1 0
45 और ये 90। अब ये क्या आ जाएगा मेरे पास 5 और 19 आ जाएगा, ये 1 के डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 4 में 19। थोड़ा फास्ट कर देंगे इसको आप x3 की वैल्यूज, यहां से 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ यानी माइनस का 3 अपॉन में 19, क्लियर है, माइनस का 3 अपॉन में 19 इसे ये वाली वैल्यू से सॉरी हो गया थाम लो करके 9 से डिवाइड किया फिर ये 0 हुआ फिर ये 1 सॉरी जैसे ये बंद हो गया ये वाली वैल्यूज क्या आएगी 5 अपॉन में 19 और इसका माइनस का 3/5 तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3 अपॉन में 19। तो इससे ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब जो नेक्स्ट वर्क करेंगे कौन सी टेबल चाहिए अपने को, सेकंड वाली नोट चाहिए, सेकंड वाली नोट। तो सेकंड वाली नोट कैसे फिल करेंगे मैं यहां लिख देता हूं, फॉर सेकंड रो स्पेस के लिए फॉर सेकंड रो क्या रहेगा 4 यानी फॉर सेकंड रो कैसे करेंगे आप, पहले सेकंड वाली रो लिखेंगे आप, यानी आप आर टू डी लिखनी है डे वाले टेबल, इसके लिए सेकंड रो लिखनी है तो क्या यूज करते हैं आर टू और यूज करेंगे माइनस। अब क्या करना होता है इसके सामने क्या है ये वाली रो लिखनी है तो ये 2/5 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे एक ही एलिमेंट वाली रो या फर्स्ट वाली रो तो 2/5 का मल्टीप्लाई करना है इससे आर वन न्यू से समझ में आपके आर टू न्यू लिख रहा हूं ओल्ड वाली टेबल माइनस का 2/5 को आर वन न्यू तो आर वन न्यू ये है मेरे पास तो इसका वर्क करेंगे आप तो आर टू ओल्ड वाली लिखी क्या वैल्यू है ये 2 1 2/5 0 1/5 आ गया। अब इसके साथ 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ यानी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से तो क्या रहेगा ये आ जाएगा अपने पास 18/19 यहां से ये 0 हो जाएगा इस वाले वैल्यू से 2/5 क्योंकि की लिमिट तो 0 होना है ये जो वैल्यू जाएगी अपने पास 2/19 फर्स्ट वाले कैंसिल हो जाएगा यहां से वैल्यू आएगी अपने पास माइनस का 6 अपॉन में 95 ठीक है इसमें से ये माइनस कर दो आप माइनस का मतलब सिंपल चेंज कर देंगे इसके अंदर ये माइनस हो जाएगा ये माइनस 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 और ये प्लस तो इसके अंदर जो वैल्यू देखिए क्या रहेगी 38 तो ये आ गया मेरे पास 20/19 हो गया ये तो 1 आ जाएगा ये 0 हो जाएगा यहाँ से ये माइनस का 2/19 और यहाँ से देखिए आप 1/5 माइनस का 6/95 क्या वैल्यू जाएगी 19 माइनस का 6/95 तो ये आ जाएगा मेरे पास 13/95 तो ये वैल्यू हम पुट अप करें क्या आ जाएगा 20/19 ठीक है ये वाली वैल्यू 1 0 कैल्सियम में ध्यान रहा मिट्टी को भी 2/19 और ये जो वैल्यू जा रही है यहाँ पर अगेन इसको देख चेक कर लेता हूँ 19 माइनस का 6 सॉरी ये प्लस का सॉरी प्लस क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना इसे प्लस ये प्लस यानी 25/95 यानी 5/19 ठीक है तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/19 ठीक तो ये हो गया। अब जेडी की फिल्म पटाउट करेंगे आप जेडी का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 0 से प्लस 5 टू 1 तो ये क्या आएगा मेरे पास 5 आएगा यहाँ से ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसकी बात करता हूँ ये कैंसिल मेरे पास Z3 को मैं देखो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ 3 into 5 क्या हो जाएगा 15/19 प्लस 5 ये माइनस का तो माइनस का हो जाएगा 5 into 8 माइनस का 10/19 यानी आपके पास आ गया 5/19 तो ये आ गया आपके पास 5/19 नेक्स्ट के लिए ये मेरे पास Z4 है तो Z4 के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9/19 फिर यहां से
5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 25 अपॉन में 19, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई 16 अपॉन में 19, यानी ये 16 अपॉन में 19 आ गया। ठीक है, अब डायरेक्टली माइनस कीजिए, 5 माइनस 5 ये 0 हो गया, 3 माइनस 0 0 हो गया, 5 अपॉन में 19 और ये 16 अपॉन में 19 आ गया, यानी ऑल डायरेक्टली माइनस कीजिए अपने पास क्या आ गई वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो वी गेट द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है इसका, तो सॉल्यूशन का ध्यान रखिए क्या, ये x2 की वैल्यू है, ये मेरे पास x1 की वैल्यू है, तो इसके अंदर अभी वाला कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, क्योंकि अब आगे वर्क नहीं होगा, ऑल जेड माइनस वीजे क्या आ गया मेरे पास पॉजिटिव आ गया यहां सर। ठीक है, तो लिखेंगे अपन हियर हियर ये इसमें सिंपलेक्स टेबल थर्ड में, सिंपलेक्स टेबल थर्ड वी हैव ऑल जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर ऑफ जीरो, वी गेट ऑप्टिमम सोल्यूशन इज क्या आएगा, x1 की वैल्यू क्या है, x1 इज इक्वल टू 20 अपॉन में 19 एंड x2 इज इक्वल टू 45 अपॉन में 19 एंड द ऑप्टिमम वैल्यूज ऑप्टिमम वैल्यूज क्या था अपने पास, मैक्सिमाइज था जेड इज इक्वल टू 5x1 20 अपॉन में 19 प्लस का 5x1 और ये क्या था 3x2 x2 की वैल्यू क्या है 45 अपॉन में ये 45 अपॉन में। ठीक है, तो यहां से 19 तो इसका एलसीएम आ गया, तो ये 100 हो गया यहां पर और टी ये क्या आ जाएगा अपने पास, यानी 235 अपॉन में 19, तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया, ये भी सॉल्यूशन आ गया यहां से, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, वो अपने पास ऑप्टिमम फंक्शन की वैल्यू है जो मैक्सिमम है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो कई बार का एरर हो जाती है तो उसको आप देखेंगे, यहां कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट वाले मैं लेके आ रहा हूं बी गैप और टू फेज, एक ही इक्वेशन को अपन सॉल्व आउट करूंगा बी गैप से, उसी इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे अपन टू फेज से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे इसको सॉल्व आउट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, थैंक यू वेरी मच।